Hello students, today in this video we are going to start your new chapter, chapter number 8, Sources of Business Finance. So let's start with the introduction. During Industrial Revolution, in the field of science and technology, many inventions took place. Mechanization in the field of production resulted in the increase of size of business unit. What it means? It means that industrial revolution mein jitne bhi changes hue hain. According to science and technology, kai tarah ke inventions ab industry mein use hone lage hain. Mechanization ke karan sare production mein sudhar aa chuke hain, uski process mein changes aa chuke hain aur at the result jo industrial business unit hai उसकी साइज वो इंक्रीज होने लगी है बिकॉज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन्वेंशन. फॉर ईच फंक्शन द नीड्स अराइजेस फॉर डिफरेंट स्पेशलिस्ट. फॉर दिस रीजन स्पेशलाइजेशन इन द बिजनेस यूनिट बिकम एसेंशियल. इन दिस रिजल्टेड इन हाई प्रोपोर्शंस ऑफ प्रोडक्ट्स. अब जैसे जैसे बिजनेस यूनिट इंक्रीज हो रहा है, सारे यूनिट्स को, सारे फंक्शंस को चलाने के लिए कोई स्पेशलिस्ट की ज़रूरत भी पड़ेगी, तो इस तरह से स्पेशलाइजेशन के कारण भी बिजनेस यूनिट जो एसेंशियल हो जाती है, रिजल्टेड इनटू हाई प्रोपोर्शन ऑफ प्रोडक्ट्स. सारे जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी हाई प्रोपोर्शन में जितनी भी नीड है स्पेशलाइजेशन की, स्पेशलिस्ट की, उसकी नीड एसेंशियल हो जाती है टू एम जो कंपनी का है उसको फुलफिल करने के लिए. और ये जो सारी नीड होगी कंपनी की, वो नीड को फुलफिल करने के लिए कंपनी को क्या चाहिए? हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस यूनिट. अगर कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट्स होंगे तो ही वो सारी इन्वेस्टमेंट, ये सारी एसेंशियल चीज़ें हैं जो भी कंपनी को चलाने के लिए, प्रोडक्शन को मैनेज करने के लिए, उसमें इन्वेस्टमेंट की भी उतनी ही ज़रूरत कंपनी को पड़ेगी. The necessitated high capital investment in the business unit. This become impossible for one group of people in investment of capital and take risk. ये क्या हो जाता है, कोई भी एक ग्रुप या कोई भी एक पीपल के लिए ये सारे इन्वेस्टमेंट को बियर करना, रिस्क को बियर करना, वो क्या हो जाता है? इम्पॉसिबल फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल इन इन्वेस्टमेंट ऑफ द कैपिटल एंड टेक रिस्क. एट अ रिजल्ट कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन केम इन टू एग्जिस्टेंस. इसकी वजह से क्या हुआ, कोई कंपनी है उसके फॉर्म में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एग्जिस्टेंस हुआ. एट द सेम टाइम सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस ऑल्सो केम इन टू एग्जिस्टेंस. अब कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एग्जिस्टेंस हो रहा है तो उसके साथ उसके सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस की भी ज़रूरत पड़ेगी. तो जैसे जैसे कंपनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एग्जिस्टेंस हुआ, उसी के साथ सोर्सेस बिजनेस फाइनेंस ऑल्सो केम इन टू एग्जिस्टेंस. इन शॉर्ट अगर हम समझे तो जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा है, उसके साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी कई तरह के इन्वेंशन हुए, जिसकी वजह से मैकेनाइजेशन प्रोडक्शन फील्ड में आया और स्पेशलिस्ट की ज़रूरत पड़ी, बिजनेस को अपने यूनिट को इंक्रीज करने की ज़रूरत पड़ी. इससे कोई भी बिजनेस है, उसका फर्म, उसका यूनिट वो बड़ा हो चुका है. अब बड़े बिजनेस यूनिट को चलाने के लिए स्पेशलिस्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो ऐसे स्पेशलाइजेशन इन द बिजनेस यूनिट बिकम एसेंशियल, उसकी ज़रूरत पड़ी. उसका रिजल्ट आया कि कोई भी कंपनी है वो हाई प्रोपोर्शन ऑफ प्रोडक्ट्स उसको प्रोड्यूस करने लगा. और ये जो बिजनेस को चलाने के लिए कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जो कि एक पर्सन या एक ग्रुप को सारा इन्वेस्टमेंट करना पॉसिबल नहीं है. उससे क्या हो जाता है, एक ही पर्सन सारे रिस्क बियर नहीं कर सकता. तो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन केम इन टू एग्जिस्टेंस. एट द सेम टाइम सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस ऑल्सो केम इन टू एग्जिस्टेंस. नाउ वी शैल लर्न अबाउट मीनिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंस. व्हाट इज़ बिजनेस फाइनेंस, उसका मीनिंग अगर हम समझे तो अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग व्यू पॉइंट द टर्म कैपिटल हैज़ नैरो मीनिंग. फ्रॉम द अकाउंटिंग व्यू पॉइंट कैपिटल मीन्स अमाउंट ऑफ कैश असेट्स एंड गुड्स इन्वेस्टेड इन बिजनेस. बट इन कॉमर्स द वर्ड कैपिटल हैज़ वाइडर मीनिंग. कैपिटल इंक्लूड्स
amount invested by owner in the business. अकाउंटिंग की लैंग्वेज में कैपिटल का मीनिंग नैरो बताया गया है यहाँ पे. फ्रॉम द अकाउंटिंग व्यू पॉइंट कैपिटल मीन्स अमाउंट ऑफ कैश असेट्स एंड गुड इन्वेस्टेड इन द बिजनेस. बट इन कॉमर्स द वर्ड कैपिटल हैज़ वाइडर मीनिंग. कॉमर्स में कैपिटल का मीनिंग जो है वो वाइडर है. कैपिटल इंक्लूड्स अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इन द बिजनेस. कंपनी का बिजनेस का जो ओनर है वो जो भी अमाउंट कंपनी में इन्वेस्ट करता है वो अमाउंट को बोला जाता है कैपिटल. द अमाउंट ओनर इन्वेस्ट एंड द बोरोड फंड्स फ्रॉम डिफरेंट फिनेंशियल सोर्सेज. दस इन ब्रॉड मीनिंग कैपिटल मीन्स द फंड्स रेज टू सेटिस्फाई द वेरियस फिनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस. ब्रॉड मीनिंग में अगर हम कैपिटल का मीनिंग देखें एज पर कॉमर्स तो वो कैपिटल है जो फंड्स कंपनी के वेरियस फिनेंशियल रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करता है. उसके जितने भी नीड्स हैं उसके जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो जिस फंड से सेटिस्फाई हो रहे हैं वो सारे फंड्स एज पर कॉमर्स कैपिटल कहलाते हैं. सो द ब्रॉड मीनिंग ऑफ कैपिटल इज द फंड्स raised to satisfy the various financial requirement of the business. Now our next topic of discussion is need of business finance. Business finance ki needs kya hai, kyun chahiye business mein finance. Capital requirement is of most important to carry out each activities of business unit effectively. Business mein capital ki requirement most important hai to carry out each activities of business. Capital ya to fir मनी के बिना बिजनेस में कुछ भी पॉसिबल नहीं है. सो द फॉलोइंग आर द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग नीड फॉर कैपिटल. फर्स्ट इज फॉर एस्टेब्लिशिंग बिजनेस. अब जो पर्सन है अगर वो सोच रहा है बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए, अगर उसके पास कुछ है ही नहीं इन्वेस्ट करने के लिए, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस को कन्वे करने के लिए, अगर उसके पास रुपये ही नहीं है सो हाउ कैन ही will start the business, right? So for establishing business, capital or business finance is must. Various expenses are to be incurred to establish the business unit. Capital is required to meet the expenditure like conducting primary and extensive research, to prepare documents like certificate of registration, fees for experts in the field of law, registration fees, etc. कोई भी पर्सन अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो उसको लीगल फॉर्मेलिटीज़ जो भी कंप्लीट करनी होती है उसके एक्सपेंस भी पे करने पड़ेंगे, लाइक डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन फ़ीस, एक्सपर्ट की फ़ीस इन लॉ, रजिस्ट्रेशन फ़ीस एक्सेट्रा. वो सारे जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, लीगल फॉर्मेलिटीज़, उसको कम्प्लीट करने के लिए, बिजनेस को एस्टाब्लिश करने के लिए फाइनेंस ज़रूरी है. सेकेंड इज फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट. The long-term investment made for the asset of the business unit is called fixed asset. Company ki jo bhi asset hai, jiske upar owner ne invest kiya hai for the long term is known as fixed asset. In this type of asset, frequent change is not possible. Isme frequent change possible nahi hai. Jo bhi asset business purchase kar raha hai, wo asset usko long term ke liye useful hone wali hai. Long term finance is large proportion is needed for acquiring fixed assets like land, building, machinery, vehicle, etc. ये ऐसी asset है जो business को चलाने के लिए long term के लिए ज़रूरी है. Land चाहिए, फिर building चाहिए, machinery भी चाहिए to production process and vehicles जो भी requirement होती है goods की, वो सारे fulfill करने के लिए vehicles चाहिए. तो जितने भी fixed asset business को run करने के लिए ज़रूरी है वो सारे परचेस होंगे किससे, बिजनेस फाइनेंस से. सो इसलिए सेकंड थिंग इज बिजनेस फाइनेंस क्यों ज़रूरी है फॉर परचेस ऑफ फिक्स्ड असेट. थर्ड वन इज़ फॉर करंट असेट. वर्किंग कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड टू कैरी आउट डेली एक्टिविटीज स्मूथली इन द बिजनेस. वर्किंग कैपिटल इज नीडेड फॉर द परचेस ऑफ रॉ मटेरियल्स, टू पे सैलरी एंड वेजेस, टू मेक पेमेंट फॉर सर्विसेज एंड असिस्टिंग ट्रेड and to invest in the stock of finished goods. Day to day जितने भी transaction होते हैं business में, छोटे छोटे expenses होते हैं जिसको बोलते हैं current asset.
डेली जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है, लाइक किसी को वेजेस दे दिया, किसी को रॉ मटेरियल की परचेज की तो उसका पेमेंट दे दिया, किसी को सैलरी देनी है, किसी को वेजेस पे करने हैं, किसी को सर्विस के असिस्टिंग ट्रेड के कुछ भी पेमेंट करने हैं, तो ये सारे पेमेंट्स, या तो कोई इन्वेस्ट करना है स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड में, वो सारे पेमेंट्स जो कि होते हैं करंट असेट, जो कहलाते हैं करंट असेट, जितने भी वर्किंग कैपिटल है कंपनी की, जितने भी डेली या तो फिर डे टू डे शॉर्ट टर्म के लिए जितने भी एक्सपेंस बिजनेस को करने हैं, वो सारे होते हैं फ्रॉम वर्किंग कैपिटल। सो फॉर करंट असेट बिजनेस फाइनेंस, फाइनेंस के बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है पेमेंट, इसलिए थर्ड इसकी नीड है फॉर करंट असेट। फोर्थ वन इज फॉर मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। वॉट इज मीन? कैपिटल इज रिक्वायर्ड इन लार्ज प्रपोर्शन ड्यू टू न्यू इन्वेंशन फॉर मॉडर्नाइजेशन एक्सपेंशन एंड टू अडोप्ट न्यू प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी इन द बिजनेस। वॉट इट मीन्स? इट मीन्स दैट मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, यानी कि कुछ मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अपने बिजनेस का एक्सपेंशन करना है, तो उस मॉडर्नाइजेशन को, उस टेक्नोलॉजी को अडोप्ट करने के लिए भी बिजनेस को क्या चाहिए? फाइनेंस टू परचेज दैट काइंड ऑफ प्रोडक्टिविटी, दैट काइंड ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी के मशीन्स, या तो फिर जो भी नीड होती है प्रोडक्शन प्रोसेस में, वो सारे नीड को परचेस करने के लिए भी कंपनी को क्या चाहिए? फाइनेंस। सो फॉर मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। फिफ्थ वन इज फॉर एक्सीडेंटल रिक्वायरमेंट। एक्सीडेंटल रिक्वायरमेंट के लिए भी बिजनेस फाइनेंस ज़रूरी है। क्यों? देर आर मेनी इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर विच आर अफेक्ट द बिजनेस यूनिट ड्यू टू विच रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल अराइज टू मीट द फैक्टर्स लाइक एम्प्लॉय स्ट्राइक, चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसी, ट्रेड साइकिल, नेचुरल डिजास्टर एक्सेट्रा। अगर इसमें से कुछ भी अचानक से कंपनी को फेस करना पड़े, तो उसे फेस करने के लिए भी कंपनी के पास अगर बिजनेस फाइनेंस होगा तो वो इजीली उसको फेस कर पाएंगे। तो एक्सीडेंटल रिक्वायरमेंट इज द फिफ्थ नीड। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंस इन बिजनेस फॉर्म। बिजनेस फॉर्म में फाइनेंस की इम्पोर्टेंस क्या है, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। नाउ फाइनेंस इज सच एन एक्सेस अराउंड विच ऑल फाइनेंशियल एक्टिविटीज रोटेट। कैपिटल कैन बी कंपेयर्ड विथ द ह्यूमन ब्लड। द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द इम्पोर्टेंस ऑफ कैपिटल इन बिजनेस यूनिट। जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन स्ट्रक्चर में ब्लड की इम्पोर्टेंस है, उसी तरह से बिजनेस में ब्लड के जैसे ही कैपिटल की इम्पोर्टेंस है। टू रन द बिजनेस, टू फुलफिल द ऑल बिजनेस एम, ऑल बिजनेस गोल्स, टू अचीव द मैक्सिमम प्रॉफिट विच प्री डिटरमाइंड बाय द कंपनी। टू रन ऑल एक्टिविटीज ऑन टाइम, अ प्रॉपर फाइनेंशियल सिस्टम इज इनविटेबल। विदाउट कैपिटल ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस यूनिट इज इम्पॉसिबल। अमाउंट ऑफ फाइनेंस इज लिमिटेड एंड अल्टरनेटिव यूजेस आर मैनी। देयरफॉर द यूज ऑफ फंड शुड बी डन ऑप्टिमली। जितने भी रिक्वायरमेंट है कंपनी की बिजनेस एक्टिविटीज़ को चलाने के लिए, प्रॉपर फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो ज़रूरी है। विदाउट कैपिटल, यानी कि कैपिटल के बिना कोई भी ट्रांजेक्शन बिजनेस का हो नहीं सकता। अमाउंट ऑफ फाइनेंस इज लिमिटेड एंड अल्टरनेटिव यूजेस आर मैनी। फाइनेंस की अमाउंट लिमिटेड है, बट उसकी यूजेस जो है अल्टरनेटिव वो कई ज़्यादा है। देयरफॉर द यूज़ ऑफ फंड शुड बी डन ऑप्टिमली। इसीलिए फाइनेंस का यूज़ सच अ वे, इस तरह से सच्चे वे में, यानी कि प्रॉपर वे में करना चाहिए, ताकि उसका यूजफुल रिजल्ट कंपनी को मिल पाए। ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशियंट फंड, बिजनेस हैज़ टू फेस मैनी डिफिकल्टीज। क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ बिजनेस यूनिट इज अफेक्टेड इफ देर इज डिले इन मार्केटिंग पेमेंट टू क्रेडिटर्स। समटाइम्स द फर्म हैज़ टू इग्नोर द अपॉर्चुनिटी ऑफ हाई प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट्स, ओवरलुक द एडवांटेजेस ऑफ कैश डिस्काउंट, फेस डिफिकल्टी इन टाइमली परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एक्सेट्रा। अगर सफिशियंट फंड नहीं है कंपनी के पास, तो उनको कई डिफिकल्टीज को फेस करना पड़ेगा। क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ बिजनेस यूनिट इज अफेक्टेड इफ देर इज डिले इन मार्केटिंग पेमेंट टू क्रेडिटर्स। क्रेडिट वर्दीनेस यानी कि कंपनी हेल्दी कितनी है, वो फिनेंशियल स्ट्रॉन्ग कितनी है, उसके ऊपर अफेक्ट होगा अगर वो क्रेडिटर्स को टाइम पे पेमेंट नहीं कर पाया तो।
अगर कंपनी के पास पैसा नहीं है तो वो अपने क्रेडिटर्स को टाइम पे पेमेंट भी नहीं कर पाता। इससे क्या होता है, कंपनी की जो रेपुटेशन है उस पे इफ़ेक्ट होता है। समटाइम्स द फर्म हैज़ टू इग्नोर द अपॉर्चुनिटी ऑफ हाई प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट। इसी वजह से कई बार हाई प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट के जो अपॉर्चुनिटीज़ है उसको भी फर्म को इग्नोर करना पड़ता है। फिर ओवरलुक द एडवांटेज ऑफ कैश डिस्काउंट, यानी कि अगर कैश पेमेंट करने पे डिस्काउंट भी मिल रहा है, अगर फर्म के पास सफिशिएंट कैश नहीं है तो वो एडवांटेजेस भी वो क्या करेगा, उसको वो कैप्चर नहीं कर पाएगा। फेस डिफ़िकल्टी इन टाइमली परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एक्सेट्रा, अगर रॉ मटेरियल टाइम पे नहीं आएगा, अगर फर्म के पास उतने भी पैसे नहीं है, फिनांस नहीं है कि वो रॉ मटेरियल टाइम पे लेके सारी प्रोडक्शन प्रोसेस को आगे बढ़ा सके, उस पर भी फाइनेंस जो है वो इफ़ेक्ट करता है। सो दिस आर द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंस इन बिजनेस फर्म लाइक अ ह्यूमन ब्लड। जैसे ह्यूमन बॉडी में ब्लड, उसी तरह से कोई भी बिजनेस में फाइनेंस की उतनी ही इम्पोर्टेंस है। नाउ नेक्स्ट इज ओनर्स फंड। ओनर्स फंड यानी कि ओनर के क्या क्या फंड हैं, कितने फंड्स होते हैं जो कि रिक्वायर्ड होते हैं कोई भी बिजनेस में, उसका एक टेबल है यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले तो ओनर्स फंड, उसमें कौन कौन से फंड हैं, मेनली देर आर थ्री पॉइंट्स। फर्स्ट इज इक्विटी शेयर, सेकंड इज प्रेफरेंस शेयर, एंड थर्ड वन इज रिटेन प्रॉफिट और लोफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। व्हाट इट मींस, इक्विटी शेयर्स में भी तीन तरह के शेयर हैं, सब पार्ट से उसमें फर्स्ट इज ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर, सेकंड इज स्वेट इक्विटी शेयर, एंड थर्ड वन इज अदर इक्विटी शेयर। दूसरा जो पार्ट था प्रेफरेंस शेयर, उसमें भी दो तरह के प्रेफरेंस शेयर हैं, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम बिफोर 20 ईयर्स, एंड रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम आफ्टर 20 ईयर्स, एंड थर्ड है रिटेन प्रॉफिट और फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट। ये इस तरह का प्रॉफिट है कि जो कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है वो सारे प्रॉफिट में से डिविडेंड शेयर होल्डर को ना दे के कुछ परसेंटेज अलग से कंपनी को ज़्यादा आगे लेके जाने के लिए, कंपनी के एक्सपांशन के लिए यूज़ होती है। तो इस तरह का थर्ड जो ऑनर्स फंड का पार्ट है वो है रिटेन प्रॉफिट और फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट, विच मीन्स रिजर्व प्रॉफिट। नाउ आपकी स्क्रीन पे जो भी क्वेश्चन जो दिख रहे हैं वो आपको होम असाइनमेंट में अपनी उसी की नोटबुक में लिखना है, दोनों क्वेश्चन।